संघ के मिनी सचिवालय के सभागार में पहली बार जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने की। बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों व समिति के गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में सदस्यों द्वारा उठाई गई समस्याओं व मुद्दों पर चर्चा कर अधिकतम मुद्दों को मौके पर ही निपटाया गया। बैठक में पीने के पानी की समस्या, सड़कों की खस्ता हालत, क्षेत्रीय अस्पताल में मूलभूत सुविधाएं व डॉक्टरों की कमी को दूर करवाने पर जोर दिया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर आयोजित किए जाने वाले शिकायत निवारण की बैठकें सही मायनों में विकास को जन जन तक पहुंचाने एवं आम आदमी के हित का जरिया बनकर उभरी हैं। इन बैठकों में जहां गैर सरकारी सदस्य सभी समस्याओं एवं मामलों को जिला प्रशासन व सरकार तक पहुंचाते हैं, वहीं इनमें विभिन्न मामलों पर जल्द निर्णय भी लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि गत पौने पांच वर्षों में सोलन में आयोजित जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठकें लाभदायक सिद्ध हुई हैं। ग्रीवेंसेस में हर प्रकार के मुद्दे आते हैं, कहीं गांव में पानी की कमी, पीने के पानी की कमी, सिंचाई के क्षेत्रों में सिंचाई की कमी, या किसी प्रकार की जो योजनाओं को पैसे बांटे हैं उनमें वो पैसा पहुंचा नहीं या किसी में कम है, तो इसलिए अफसर साहबान हर डिपार्टमेंट के पूरी तैयारी से आते हैं। ऑलमोस्ट जो भी समस्याएं लोगों ने बताई वो उनका ज्यादातर निपटारा वहीं पे किया, क्योंकि सारे अफसर साहबान मौजूद थे, उप महोदय से लेकर एसपी साहब से लेकर और दूसरे विभाग के सभी एक्सएन और एससी स्वयं मौजूद होते हैं इसमें, ग्रीवेंस कमेटी में। तो लगभग कुछ कुछ मामले जो बहुत कोई लॉन्ग टर्म के हों, जिसमें फंडिंग की प्रॉब्लम हो या कोई टेक्निकल वजह हो, वही रहे होंगे, पर लगभग सारे करने का इसका एम मीटिंग का यह होता है कि हम साथ ही साथ इनको निपटाते जाएं।